कसिनो। आज हम कसिनो से जुड़े हुए एक शहर के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। आई थिंक आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि इससे जुड़ा हुआ शहर कौन सा है। ज्यादा वक्त को बर्बाद ना करके डायरेक्ट हम जाएंगे स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉरपोरेशन शेयर। आज के दिन 8% के आसपास की गिरावट रही है। लास्ट 5 डे में देखेंगे तो वहां से अच्छी खासी 15% के आसपास की गिरावट है। मैं आपको पता है यहाँ पे 9% के आसपास की नजर आ रही है, वो इस लेवल से है। ठीक है, यहाँ से नहीं, लास्ट मंथ में भी देखेंगे कंटिन्यू 30% लास्ट 6 मंथ से, और पूरे इस सेल की बात करें तो 40% के आसपास की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉप की है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी देखेंगे तो स्टॉक का हाई कितना है, 262। उसका ये प्रीवियस हाई कौन सा है, 328, और लास्ट में 251 के आसपास का हाई। स्टॉक आखिर गिर क्यों रहा है, उसका रीजन है कंपनी की दूसरी सब्सिडरी कंपनी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने 6,400 करोड़ के आसपास का GST नोटिस दिया, जिस कारण से स्टॉक में आज काफी ज्यादा फिसलन हो गई। वन डे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ देखेंगे लास्ट मोमेंट पे एंड ऑफ द डे यहाँ पे अच्छी खासी 2% के आसपास की रिकवरी। अभी हर तरफ एक ही चीज की बात हो रही होगी कि स्टॉक और कितना गिरेगा। इसके लिए यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं आने वाले समय में कौन कौन से लेवल अच्छे रहेंगे। फिलहाल मैंने वीकली चार्ट पैटर्न लेकर लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल को मार्क कर देते हैं। पहला था 380 के आसपास का, यहाँ पे कैंडल पे 401 दिखा रहा है। ठीक, इसके अलावा दूसरा हाई का कौन सा है, 240 के आसपास, और अभी जो लास्ट ईयर में जो बना है वो है 260 के आसपास। ये सारा अभी हो जाएंगे उसके रेजिस्टेंस। नीचे के साइड हम लोग देखेंगे तो सपोर्टिव रोल कौन से लेवल से होगा, तो सबसे पहला ये है 60 का लेवल। स्टॉक को अगर मैक्सिमम गिरना होगा तो 58 से लेकर 60 के लेवल तक गिरेगा, इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। उसके नीचे 85, और उसके नीचे एक और लेवल बनता है 116 का। ठीक है, तो ये लेवल हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ऊपर के साइड जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये सारी लाइन्स ये सारी हो जाएगी अभी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और नीचे जो आपको 3 ग्रीन लाइन नजर आ रही है वो होगी सपोर्टिव नेचर के लिए लाइन। तो पॉसिबल है नेक्स्ट वीक तक या फिर इस वीक के एंड में स्टॉक यहाँ से 116 के लेवल को टच करें। अगर जिन लोग को फ्रेश एंट्री बनानी है तो वो लोग कहाँ पे बाइंग करेंगे, 85 के आसपास आता है तब बाइंग कीजिए, 116 के पास आता है तब बाइंग कीजिए। स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मार्केट में हर तरफ सेलिंग का व्यू है, और ऐसे ही टाइम पे बड़े इन्वेस्टर ऐसे मौकों को ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि ये न्यूज़ क्या आज नहीं कल नहीं, 1 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे। 1 साल तो मैंने ज्यादा बता दिया, 1 मंथ के बाद भी लोग भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसे टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कौन से सेक्टर का कौन सा शेयर हमें आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई 400 के लेवल से हम इसको देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 60 से लेके 65% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में मिलता। जिन लोग की पुरानी होल्डिंग है, सब लोग का डाउट हो गया कि जिनकी होल्डिंग है वो क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये 3 लेवल जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे 25, 25 और 50, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक में बाउंस बैक आएगा। भले ही अभी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नेगेटिव नजर आ रहा है, पर वही चीज आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक को आप 160 से लेके 175 के आसपास देखें, और उसके लिए आपको होल्डिंग करना जरूरी। मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट भी रहनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स में कंटिन्यू गिरावट हो और आप सोचे कि हमारा शेयर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सजेस्टेड तीन टारगेट है नीचे के लेवल पे सपोर्टिव रेंज के,
आप वहां पे बाइंग कीजिए, या फिर जो सेल कर रहे हैं ऊपरी लेवल से तो वो 116 तक या फिर 122 तक मैक्सिमम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो बीक वाली आ चुकी है, अभी इन्वेस्टर ज्यादातर एक्टिव हो गए। ठीक है, तो आप इसे रिपीट कर देता हूँ, जिनको बाइंग करनी है वो 85, 60 और 116 के आसपास के लेवल से बाइंग कर सकते हैं। और जो रिस्की ट्रेडर है, जो पैसे डाल के भूल जाना चाहते हैं, वो करंट लेवल बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट जो अभी बाइंग करते हैं, उन लोगों के लिए टारगेट बनेंगे 141 के। ठीक है, उसके ऊपर होल्ड करता है तो 152 के आसपास स्टॉक जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आपको जैसे कि मैंने बताया 175 से लेके 200 तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मैं 200 मूविंग एवरेज को ऐड करूंगा तो उसके भी नीचे स्टॉक फिसल गया, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 186 टू 200। ठीक है, और कुछ क्वेरी है तो जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।